कि हुकूमत ने खुद नवाज शरीफ को बाहर भेजा है, अब वो कौम के सामने झूठ ना बोलें, और वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि अगर वो मुजरिम है तो फिर उन्हें जाने ही क्यों दिया। क्या फरमाइएगा, बिलावल भुट्टो जो है वो मौजूदा हुकूमत के लिए भी अग्रेसिव मोड रख रहे हैं और साथ साथ नवाज शरीफ साहब के लिए भी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि हमारा इशू ये नहीं है कि आज कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। इशू ये है कि गवर्नमेंट की हर चीज पर एक कंफ्यूजन और एक गलत पॉलिसी और एक यू टर्न, एक बड़ी क्लियर सी बात है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी मुझे किसी पे यकीन नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट के मेडिकल, वहाँ उनकी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहिबा हैं हेल्थ मिनिस्टर उनकी, फिर उसके बाद सेम्स की, फिर उसके बाद कराची के स्पेशलिस्ट हुआ है, फिर उसके बाद उन्होंने अपने वो जो खैराती इदारे से हॉस्पिटल चलाते हैं शौकत खानम, उनके डॉक्टर को बुलवा के और उन्होंने तसल्ली की और ये कहा कि जी ये बिल्कुल बीमार है और सीरियस बीमार है। तो यह आया आपकी उस वाली स्टेटमेंट में मुनाफकत थी या झूठ था, या आज आप जो है झूठ बोल रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं? बात तो ये बात तो तय है ना कि कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं तो बात है, कहीं ना कहीं तो दाल में काला है कि आप कभी कुछ कहें कभी कुछ कहें। और एक और आपको बात बताऊं कि बड़ी क्लियर ऑर्डर है कोर्ट के कि आप भेजना चाहें ना भेजना चाहें, वन। और दूसरी बात ये है कि अगर ये बाहर जाते हैं और वो इलाज इनका हो जाता है और फिर वो कहते हैं कि जी हमारा इलाज चल रहा है, आप अपनी मेडिकल टीम भेज सकते हैं पाकिस्तान से और वो वेरीफाई करें कि हाँ ये बात हकीकत है, सच है या गलत।